तम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में है। मुझे कीर्तन हो ना कीर्तन थोड़ी से धीरे करते बोल दो हरि बोल। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री वृंदावन धाम परिक्रमा करते करते अभी जिस मंदिर में हम उपस्थित हुए हैं ये मंदिर का नाम श्री अष्टसखी मंदिर है। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे राधा कृष्ण और एक तरफ में चार सखियाँ और दूसरे तरफ में ये चार सखियाँ हैं। ये कृष्ण के ये विशेष करके ये आठ सखी हैं। भले जो ये आठ जो सखियाँ हैं ये सखियों का क्या काम है और ये सखियाँ क्या करती हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं इनका काम है ये राधा कृष्ण को मिलन कैसे कराए। इनको मिलन कराने का काम है और ये लोग अपना पतियों को वंचित करके हैं अपना शरीर रूपी पतियों को वंचना करके वो राधा कृष्ण को साथ में मिलना और इनकी सेवा में मदद करना इनका काम है। इसलिए इनके तीन तरह का सखियाँ हैं। कहते हैं कि तो तटस्थ और एक स्वपक्ष और एक विपक्ष है। कहती ये तटस्थ मतलब क्या बोले ये कृष्ण को भी प्रेम करते हैं और श्री राधा रानी को भी ये प्रेम करती हैं। लेकिन जैसे ललिता विशाखा आदि सखियाँ हैं लेकिन ये करने पर भी लेकिन थोड़ी राधा की तरफ में ये ज़्यादा झुके हुए हैं। कहती ये तटस्थ है। कहते ये विपक्ष कौन है कहते ये विपक्ष जो कृष्ण को केवल कृष्ण को ही प्रेम करते हैं लेकिन राधा रानी को प्रेम नहीं करती हैं। कहती ये स्वपक्ष कौन है बोलो जो केवल श्री राधा रानी को जो प्रेम करती हैं केवल श्री राधा रानी को प्रेम करती हैं राधा रानी की खुश में खुशी और राधा जी का दुख में ये दुखी ये सखियाँ हैं जिनको ये मंजरी कहती हैं कहती ये कृष्ण ये विभिन्न सखी रूप में ये सब क्यों प्रकट हुए हैं। इसलिए जिसको वेद कहता है वो एक मेव अद्वितीयम वो एक ही है वो एक अपि बहुश्याम। जिसको श्री बृहदारण्य उपनिषद में बताया सबई नैव रमे नैव रमते स द्वितीय मैचर। जब कृष्ण एक थे अभी वो सोच रहे हैं वो एक को द्वारा लीला पुष्टि नहीं हो सकती है जब तक बहु नहीं हो। इसलिए कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष को नीचे कृष्ण खड़े हुए हैं। अभी इनकी मन में इच्छा हुई लीला करने के लिए लेकिन ये एक स्वरूप से वो लीला कर ही नहीं सकते। इसलिए इतने में कृष्ण का जो बाम अंग फड़कना शुरू किया फड़कते कृष्ण की बाम अंग से एक दिव्य किशोरी प्रकट हुई है जो 16 श्रृंगार द्वादश आभरणों को पहनते हुए दिव्य सुंदर रूप में प्रकट हुए। कहते ये रास से प्रकट हुई इसलिए इनका पहला अक्षर पड़ गया रा। लेकिन ये प्रकट होकर के सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करते हुए कृष्ण की सेवा के लिए धावित तो हुई इसलिए इनका नाम पड़ गया राधा। बोले श्रीमती राधा रानी की। अरे जोर से बोलो बोले श्रीमती राधा रानी की।
अभी वो एक से दो हुए। अभी राधा रानी सोच रही है मैं अकेला कृष्ण को मैं कितना सेवा करूं, इसलिए बहु सखी बिना न है रसेरे उल्लास। अतएव जब तक जैसे एक प्लेयर थोड़ी कोई, जैसे फुटबॉल प्लेयर क्रिकेट प्लेयर वो अकेला थोड़ी खेल सकता है, जब तक उसमें वो 11 होते हैं ना, इसलिए नहीं वो थोड़ी थोड़ी खेल सकते हैं। अभी इनका नाम राधा है, राधा मतलब क्या बोले, अनयाराधित नुनम भगवान हरीश्वर, जो कृष्ण को विशेष पूर्वक जो आराधना करती हैं ये श्रीमती राधा रानी। अभी राधा रानी सोच रही हैं मैं एक स्वरूप को द्वारा कितना मैं सेवा करूं, तब राधा रानी अपना कायव्य रूप में अपना एक एक भाव को राधा रानी एक एक रूप देती हैं। ये विशाखा, ललिता, चंपकलता, तुंग विद्या, चित्रा, सुचित्रा, रंगदेवी, सुदेवी, ये राधा रानी वो एक एक भाव को राधा रानी ये एक एक रूप प्रदान करती हैं। ये अनंत सखी रूप में ये सब के सब राधा रानी प्रकट होती हैं। केवल इतना नहीं, रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, रस मंजरी, बहु मंजर रूप में राधा रानी, अनंत रूप में राधा रानी प्रकट होकर के कृष्ण की अनंत सेवाओं को ये प्रकाश करती हैं। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कहते हैं, जैसे एक अदम वृक्ष, तमाल वृक्ष देखने में बड़े सुंदर है, लेकिन अगर उसमें लता अगर उसमें चली जाए तो और सुंदर हो जाएगी। बोले ये तमाल वृक्ष स्वरूप कौन है, बोले कृष्ण है। बोले ये लता स्वरूप कौन है, बोले ये श्रीमती राधा रानी। लता तो सुंदर, लेकिन अगर उसमें पत्ते आ जाए और सुंदर लगेगा। बोले ये पत्ते कौन है, कहते ये ललिता विशाखा आदि सखियाँ पत्ते हैं, लेकिन अगर उसमें मंजरी आ जाए, अगर उसमें सुंदर सुंदर फूल आ जाए, कितना सुंदर नहीं लगेगा। कहती ये मंजरिया सखी कौन है, बोले ये मंजरी ये सखी है। इसलिए कृष्ण तो सुंदर है ही है, कृष्ण तो सुंदर है ही है, लेकिन जब तक श्याम सुंदर का तरफ बाम तरफ में जब तक ये राधा रानी नहीं हो, कृष्ण पूर्ण सुंदर नहीं। इसलिए तोता कहता है, हाँ तोता कहता है मेरे कृष्ण हम मदन मोहन है, लेकिन मैना क्या कहती है, बोले तब तक ये मदन मोहन नहीं जब तक हमारी श्री किशोरी जो श्री राधा रानी कृष्ण की बाम तरफ में खड़े नहीं हो, वो केवल मदन ही है, नहीं तो मदन मोहन नहीं। लेकिन और सुंदर कब लगे, जब उनको पास में सब सखियां बेष्टित हो, वो और सुंदर लगती हैं। और इसलिए राधा रानी अनंत रूप में कृष्ण सेवा के लिए वो अनंत रूप धारण करती हैं श्री राधा रानी। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं, बोले तांबुलम भक्त ललिताम विशाखाम गंध चंदने चामरे चंपकलता तुंग विद्या तुनर्तने सुदेवी जल सेवायाम राग श्री रंग देवी के। कहते ये जो आठ सखियां हैं वो क्या क्या सेवा करती हैं, बोले तांबुलम भक्त ललिताम, कहते ये ललिता की सेवा किया है, कहते तांबुल, तांबुल समस्त पान की बिड़िया, बड़े सुंदर पान की बिड़िया देती हैं, जिसको श्री राधा रानी और कृष्ण जिस पिड़िया को खा करके ना उनका मुंह एकदम लाल हो जाता है। पहले लिपस्टिक लगाने का जरूरत नहीं था, अभी जैसे लिपस्टिक लगाते, लिपस्टिक नहीं वो अपनी आप हैं, पान खाने से अपनी आप उनकी होठ अपनी आप लालिमा हो जाती थी। इसलिए ये ललिता सखी, कहती ये ललिता सखी के बगैर है, इसलिए कृष्ण की कोई भी सेवा नहीं हो सकती है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहता है ना, ललिता विशाखादि जत सखी वृंद आज्ञा करीब सेवा चरणारविंद। इसलिए जब तक ललिता सखी की कृपा नहीं हो, तब तक राधा कृष्ण की जुगल सेवा में जीव का अधिकार नहीं हो सकती है। ये ललिता सखी इतने तेजी है, इतने प्रखरा ललिता सखी, कहते इनको कभी कभी कृष्ण भी डरती है और राधा रानी भी डरती है। हाँ ये दोनों ही ललिता सखी को डरती, दोनों ही डरते हैं, क्योंकि ये दोनों को ये शासन करती हैं। इसलिए राधा रानी को शासन करती हैं, बोले देखो राधे खबरदार, जब मान करती है ना श्याम सुंदर, जब थोड़ी सी मनाते हैं झट तुम्हारी मान नीचे उतर आती, खबरदार ये मान को छोड़ना नहीं,
क्योंकि जब तक तुम मान करते रहोगी श्याम सुंदर तब तक चरण में पड़े रहेंगी। अगर मान छोड़ दिया ना फिर चंद्रावली के पास में चले जाएंगे, इसलिए खबरदार मान पान छोड़ना नहीं। इसलिए उनका शासन करती है और कृष्ण का भी शासन करती है। अगर राधा कृष्ण कभी पासा खेल रहे हैं, अगर कभी राधा रानी की पल्ला अगर थोड़ी सी ढीला हो जाए, कृष्ण का पल्ला अगर थोड़ी भारी हो जाए ना, इतने में ललिता बीच में आकर के श्याम सुंदर को ऐसे प्रखरा है ना, श्याम सुंदर चुप रहो, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, हमारी किशोरी बड़ी तो हमारे श्री किशोरी की जीत है। इसलिए कहती है ललिता सखी, अगर ब्रज में कोई अगर छोटी कोई लड़की अगर जन्म हो जाए, ये ललिता सखी क्या करती हैं, ये ललिता सखी राधा रानी की प्रसादी वस्त्र ले जाती हैं, ले करके जैसे रुचि परीक्षा होता है ना, बच्चों का रुचि परीक्षा होता है ना, जब घुटन पर चले जाए बहुत सारे चीज को रख लेते हैं, और ये ललिता ले करके राधा रानी की एक प्रसादी वस्त्र भी रख लेती हैं। वो बच्चा अगर घुटन पर चलते 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 अगर वो राधा जी की प्रसादी वस्त्र को छू दे ना, ललिता को पता चली जाती है ये बड़ी होकर के ये चंद्रावली की पक्ष में नहीं हमारे श्री किशोर जी की पक्ष में रहेगी, हमारे श्री राधा जी की ये पक्ष लेने वाली, इसलिए बड़े प्रसन्न हो जाती हैं। और ललिता की इसके ऊपर नजर हर समय ललिता की रहती, ये हमारी राधा जी की ये साइड में लेने वाले हैं, हैं? अगर किसी के अंदर में ये ललिता सखी थोड़ी सी भी गंध देख ले, राधा जी को प्रति इनकी विशेष प्रेम है, थोड़ी सी गंध देख ले बस कहती है ललिता सखी प्रचेष्टा करती हैं ये कैसे श्री राधा जी की चरण की सेवा प्राप्त करे। ललिता सखी बड़े सावधान से क्या करती, उसको राधा जी के घर में ले आती है। इसलिए ललिता सखी की विशेषता, इसलिए ललिताम तांबुलम विशाखाम गंध चंदने, कहते विशाखा क्या करती हैं, कहते सुंदर सुंदर गंध चंदन घीच करके श्री जुगल सरकारों की विशेष रूप में उनकी श्रृंगार करती है ललिता, ये विशाखा सखी। इसलिए इनका नाम विशाखा, विशाखा मतलब क्या है, बोले विशेष पूर्वक शाखा, विशेष पूर्वक शाखा। इसलिए कभी कभी कृष्ण की सखा लोग कहते बोले कन्हैया तुम्हारे हाथ दिखाओ, तो कृष्ण हाथ दिखाते हैं, हैं? बोले देखो तुम्हारे हाथ में ये बता रहा है एक सुंदर एक है मानस सरोवर है, ये मानस सरोवर में एक हंसी उसमें क्रीड़ा कर रहा है, तुम्हारे हाथ रेखा ये बता रहा है एक हंसी क्रीड़ा कर रही है, लेकिन एक हंस उसको पीछा कर रहा है वो पकड़ने के लिए, लेकिन वो हंसी को पकड़ नहीं पा रहा है। बोले तू सही बताया तुमने, ये बात मेरी मन की बात बता दिया, वो हंसी कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, बोले हंस कौन है, ये श्याम सुंदर। अभी हंस कोशिश कर रहा है हंसी को राधा जी को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। बोले कृष्ण बता तुम तो मेरी मन की बात बता दी, बोले वो हंसी को ये हंस कैसे प्राप्त कर सकता है, बोले एक उपाय है अगर वो विशाखा को अवलंब करे, हैं? कहते अगर विशाखा, विशाखा मतलब क्या, जैसे किसी पेड़ के ऊपर चढ़ना है एक किसी टहनिया को पकड़ना पड़ता है, किसी शाखा को टहनिया को पकड़ना पड़ता तभी वो वृक्ष के ऊपर में कोई चढ़ सकता है, वो कौन है, बोले विशाखा। अगर इसको अगर अवलंबन करोगे ना फिर तो हंसी को तुम प्राप्त कर सकते हो। बोले भैया तुम एकदम सही, मेरी मन की एकदम सही बात तुमने बता दिया। इसलिए बोले विशाखाम गंधन चंदने और चामरे चंपकलता, बोले ये चंपकलता क्या करती हैं, बड़े सुंदर ये चामर व्यजन करती हैं, चामरे चंपकलता तुंग विद्या तु नर्तने, कहती ये तुंग विद्या क्या करती, इसका नाम है तुंग विद्या। तुंग विद्या मतलब क्या, विद्या में जो तुंग सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए राधा जी के अंदर में जो विद्या कला है वो एक रूप धारण किया कि विशाखा ने ये रूप धारण किया है, इसलिए चित्रलेखा क्या करती हैं, बड़े सुंदर चित्र अंकन करती हैं। ये चित्रलेखा पहले बोलती थी मैं किसी दूसरे पुरुष के मुंह में नहीं देखूंगी, मैं ब्रह्मचारिणी बनकर के रहूंगी, मैं ब्रह्मचारिणी बनकर के रहूंगी, मैं किसी दूसरे पुरुष के मुंह ही नहीं देखूंगी। अभी श्री मैया जसोदा कभी उन्होंने कभी मैया जसोदा ने कभी कोशिश की मेरे कन्हैया को मैं एक चित्रांकन करूंगी, बोले भैया चित्रांकन कौन करते, बोले जो चित्र लिखा है ना ये बड़े एक्सपर्ट है चित्र बनाने के लिए, बोले मेरी लाला की एक चित्रांकन कर दोगे, लेकिन उसने क्या प्रतिज्ञा की थी, मैं ब्रह्मचारिणी बन करके रहूंगी, मैं किसी पुरुष को शादी नहीं करूंगी, मुंह नहीं देखूंगी। अभी मैया जसोदा ने चित्रलेखा को बताया मेरे लाला कन्हैया की एक फोटो बना दे, पिक्चर बना दे,
अभी लेकिन मैया जसोदा कौन राज रानी, अभी इनकी बात को टाले कैसे? एक व्यक्ति का चित्र को अंकन कब कर सकता हूँ? उसका पूरा आंख देखना पड़ेगा, नाक देखना पड़ेगा, उसको गाल देखना पड़ेगा, उसकी एक एक चीज को अच्छी तरह से जब देखोगे तभी जा करके आप कोई चित्र को अंकन कर सकते, नहीं तो चित्र अंकन नहीं कर सकते हो। अगर कृष्ण को एक बार कोई देखे और उनकी आंख की आंख नहीं, वो तिरछ चितवन नहीं, वो तीर है, उनकी मंद मुस्कार हाट नहीं, कहती ये जादू है, ये इनकी जादू है, हैं? इसलिए कहते अगर कृष्ण रूप को एक बार देखे कोई, फिर दुनिया में कोई रह सकता है? इसलिए रूप गोस्वामी कहते खबरदार कभी वृंदावन में मत जाओ, अगर भूल से चले गए ना गोविंद देव को देखो ही मत। बोले उनको तो देखने के लिए आए। बोले भैया अगर देख लिया ना फिर मेरे दोष नहीं देना, एक बार उसको अगर देख लिया ना, हैं, एक बार से मूर्ति नयन हरे केहो नहीं घरे फिरे, संसारी जीवर जत है सर्वनाश, ना जायो कैसी तीर्थ घाटर सकाश। एक बार उसको दर्शन किया तो सारा दुनिया का दर्शन देखना बंद हो जाएगा। इसलिए जब चित्रा ने कृष्ण की एक चित्र बनाई, अभी तो श्याम सुंदर टेढ़े, अगर कोई सीधा चीज अंदर में घुसे ना वो तो निकल जाएगी, अगर कोई टेढ़ा चीज निकल घुस जाए तो फिर तो वो टेढ़ा चीज फिर से निकलने वाले नहीं। इसलिए बोले तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल तेरी टेढ़ी, मथुरा तेरो टेढ़ो, टेढ़ो रे टेढ़ो तेरी गोकुल नगरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी न। इसलिए कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं। इसलिए ये चित्र लिखा ने जब एक बार कृष्ण को देखा बाद सारे सत्य तो खत्म, उसने फिर तो राधा जी की गण में गणित तो हो गई, श्याम सुंदर को अपना हृदय में बैठा दिया। देखो असली सती कौन है, असली सती कौन है? जो श्याम सुंदर के ही अपना पति रूप में स्वीकार करती, वो असली सती वही है, जगत में कोई असली सती नहीं। इसलिए बोले किबा जति सती किबा नीचे जाती, जही हरि नाही भजे तबे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया रव नर भजे। भले तू जति हो सती हो, अगर कृष्ण भक्ति नहीं किया तो जति सती का कोई महत्व नहीं, अगर तुमको कृष्ण भक्ति कर लिया तो बस सचमुच से सती है। इसलिए चित्र लिखा तो नर्तने, बोले बड़ी सुंदरी नृत्य करती है। और सुदेवी जल सेवायाम, कहते सुदेवी क्या करती है, उनके जल की सेवा करती है। सुदेवी जल सेवायाम, उसके बाद में सुदेवी जल सेवायाम, इसलिए कहते जो आठ, हाँ कहते जो आठ, हाँ कहते जो ये आठ सखी हैं, हैं कहते राधा कृष्ण की अनंत अनंत रूप में ये इनकी सेवा करते हुए इनकी प्रसन्नता करती है। इसे जब तक बहु सखी नहीं हो तब तक उनको लीला की पुष्टि नहीं होती है। इसलिए हम सबके सब श्री अष्ट सखियों के पास में आए हैं, ये अष्ट सखियों का मंदिर है। इसलिए श्री सखियों को चरण में कृपा करें, यही सखियाँ हैं। पहले तो गुरु जी की चरण में जाएंगे, गुरु जी फिर परम गुरु जी, परम गुरु जी परमेष्ट गुरु जी, फिर गुरु जी हमें श्री रूप मंजरी को पास में, फिर रूप मंजरी हमें लेकर के श्री ललिता सखी को पास में पहुंचाएगी, फिर ललिता सखी लेकर के हम सोचेंगे भैया छलांग लगा करके, हैं गुरु जी की कृपा के बगैर हम छलांग लगा करके, हम गुरु जी फुरु जी कोई जरूरत नहीं, अपने आप दर्शन कर लेंगे, अपने आप प्रभु को पा लेंगे, बोले नहीं नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हमें ये परंपरा होते हुए जाना पड़ेगा, फिर ललिता सखी हमें श्री जुगल सरकार की सेवा में हमें फिर ये अधिकार देती हैं। इसलिए हम सबके सब ये अष्ट सखियों के पास में आए, प्रार्थना करें इन लोगों को कृपा से ही एक दिन जुगल सेवा में जीव का अधिकार होगा, और सबसे पहले गुरु जी कृपा करे, फिर सखियाँ कृपा करे, एक दिन राधा कृष्ण की जुगल सेवा में हमारे प्रवेश हो और हमारे जीवन धन्य हो जाए। निताई गौर प्रेमानंदे।